लेट्स गो स्ट्रेट टू द बीजेपी रविशंकर प्रसाद इज एड्रेसिंग द पीपल। मुलायम सिंह जी ने आज भी उसकी चर्चा की है और कल भी की है। तीसरा फ्रंट अतीत हो चुका है भारत की राजनीति में, वर्तमान में न उसकी कोई प्रासंगिकता है न कोई भविष्य में आशा है। थर्ड फ्रंट इज हिस्ट्री इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इट हैज नो रेलेवेंस फॉर द प्रेजेंट नॉर एनी प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर। ये बात हम बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं। देश की जनता थर्ड फ्रंट को देख चुकी है और थर्ड फ्रंट को झेल भी चुकी है, और जो थर्ड फ्रंट की वकालत करते हैं उनको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि थर्ड फ्रंट हमेशा कांग्रेस की बैसाखी पर ही टिका रहा है सत्ता में, चाहे वो देवेगौड़ा हो, चाहे वो गुजराल हो, चाहे वो कुछ दिन के लिए चंद्रशेखर जी की भी सरकार हो, अगर उसे भी हम थर्ड फ्रंट माने तो। वीपी सिंह को कांग्रेस का समर्थन नहीं था, अभी जरा अपने प्रश्नों के लिए वेट करिए मैं जो बात कह रहा हूं। तो ये आज मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा है, अब ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है, बहुत दिन के बाद ये समझदारी सामने आई है उनको। तो अगर बहुत सर्दी होती है तो एक विज्ञापन आता है, कुछ लेते क्यों नहीं। आज मुझे मुलायम सिंह जी से एक बात कहनी है, आप कांग्रेस को छोड़ते क्यों नहीं। अगर आप उनके धोखे से परेशान हैं, अगर सीबीआई के दुरुपयोग से परेशान हैं, इनकम टैक्स के दुरुपयोग से परेशान हैं, मित्रों यूपीए सरकार कांग्रेस लेड गवर्नमेंट अभी अल्पमत में है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम रिफॉर्म्स के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, यह सरकार घिस घिस कर चलेगी, यह सरकार बैसाखी पर घिस घिस कर चलेगी। इसीलिए जहां प्रधानमंत्री जी एक शब्द कहते हैं, वही चिदंबरम साहब लखनऊ में आज शायद अखिलेश जी की सरकार को कुछ लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश करते हैं। द बीजेपी इज वेरी क्लियर, अंडर द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट रिफॉर्म गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑल इज गोइंग टू टेक ए बैक सीट एंड द कमिंग फ्यू मंथ्स व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट विल ओनली बी बेस्ड अपॉन मैनिपुलेशन मैनेजमेंट एंड अब्यूज ऑफ पावर टू स्टे इन पावर। धन्यवाद मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था, आपके कोई प्रश्न है तो। मैनेजमेंट मैनिपुलेशन mechanization and abuse of power to stay in power. AB Bardhan जी सही में साम्यवादी आंदोलन के बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी अगुवाई में उनकी पार्टी छोटी होती जा रही है। अब जहां तक थर्ड फ्रंट की बात है, थर्ड फ्रंट को उन्होंने खूब देखा है, मैं उनके इच्छा रखने के अधिकार का सम्मान करता हूं, लेकिन थर्ड फ्रंट का कोई भविष्य वर्तमान नहीं है। अभी मैं कर क्या रहा हूं, वहां भी करेंगे ना, वहां भी करेंगे, आपकी उचित समय पर आपकी सलाह ले लेंगे। मैंने उनकी राजनीतिक टिप्पणियों पर टिप्पणी की। अभी और को देख लेते हैं, फिर बाद आते हैं। एनी अदर क्वेश्चन, चलिए आज ये हाँ बताइए। देखिए इसको हम न मोदी जी अमेरिका जाने के लिए बेताब हैं, न पहले वीसा उठाने का आग्रह किया था,
वीसा पर नियंत्रण प्रतिबंध को उठाने का आग्रह किया था। यह विचार अमेरिका को करना है कि जिस देश में दुनिया के तानाशाह फासिस्ट लीडर्स जिनके हाथ खून से सने हुए हैं उनको संरक्षण मिलता है और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थ्राइस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आप पूर्वाग्रह ग्रसित दबाव के कारण वीसा नहीं देते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का काम उनकी सरकार के विकास की गाथा स्वयं वहां के वरिष्ठ राजनेता स्वीकार कर रहे हैं